सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी निषेध का, जो पटना के निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए हैं, मौजूद है वहां पे। निषेध, क्या कुछ अपडेट है वहां का? अब बिल्कुल देखिए शर्मिला, लगातार जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अब 1 बजे का अपडेट आ गया है, उसके मुताबिक 37.92% मतदान हो चुका है। जो 1 बजे का अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं। तारापुर में 39% वोट अभी तक लोगों ने डाला है और साथ ही कुशेश्वर स्थान 36.55% वोट अब तक डल चुके हैं और लगातार जो संख्या है वो बढ़ रही है। सुबह से ही हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी काफ़ी देखने को मिल रही है और जो सुबह का वोटिंग परसेंटेज था उसके मुताबिक जो अब के हालात हैं वो लगातार सुधरते हुए नजर आ रहे हैं और जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ रहा है। और लगातार हम आपको बता रहे हैं, इससे पहले भी हमने परसेंटेज बताया था जो 11 बजे अपडेट आया था, तो उस वक्त भी जो संख्या थी वोटरों की वो बढ़ रही थी और जो 1 बजे अपडेट आया उसके मुताबिक भी जो वोटरों की संख्या है वो बढ़ रही है। और निर्वाचन आयोग से भी हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पे हर एक चीज की मॉनिटरिंग की जा रही है और जो बूथ है जहाँ पे वोटिंग चल रही है वहां से यहाँ पे देखा जा रहा है कि वहां पे किस तरीके से बूथों पे मतदान हो रहे हैं, सुरक्षा के इंतजामों को भी यहाँ पे देखा जा रहा है, लगातार यहाँ से मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन निर्वाचन आयोग में है और वहां पर पूरी तरह से अभी लोग व्यस्त होंगे, लोग अभी कामकाज कर रहे होंगे, सबकी निगाहें अभी मतदान केंद्रों पर होंगी। जरा हम चाहेंगे कि आप निर्वाचन आयोग का नजारा जरा हमारे दर्शकों को भी दिखाइए। फिलहाल निर्वाचन आयोग की कैसी स्थिति है, जरा हम चाहेंगे कि वहां की स्थिति को भी आप दिखाइए। नजारा है लगातार जो यहाँ पे कंट्रोल रूम बनाया गया है वहां पे मॉनिटरिंग की जा रही है, जो अधिकारी यहाँ पे काम कर रहे हैं वो लगातार उनकी देख रेख में ये काम हो रहा है। देखिए ये सामने ही ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के जो बूथ सब हैं उनकी आप तस्वीर देख रहे हैं और सीधे कंट्रोल रूम में जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो उन चीज़ों की निगरानी कर रहे हैं। दूसरी ओर आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, जो अधिकारी यहाँ पे काम कर रहे हैं वो लगातार देख रेख में उनके काम चल रहा है और लगातार वो भी पूरी चाक चौबंद के साथ नज़र बनाए हुए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो उस पर इन लोगों की नज़रें बनी हुई है। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो भी अधिकारी हैं वो यहाँ वॉर रूम में ही मौजूद हैं और लगातार इनकी नज़र तमाम उन गतिविधियों पे हैं, जो बूथों पे जो भी चीज़ें देखने को मिल रही है वो सारी चीज़ें यहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। हर बूथों पर वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं और उस कैमरे का यहाँ पे उन कैमरे के जरिए देखा जा रहा है कि वहाँ पे ठीक ढंग से मतदान हो रहा है या नहीं। और लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, DTV भारत भी आपको लगातार अपडेट पहुँचा रहा है, हमारे सहयोगी भी पहुँचा रहे हैं और जो 1 बजे का जो अपडेट आया है उसके मुताबिक जो संख्या है वोटरों की वो बढ़ी है एक बार फिर से सुबह के मुकाबले। सुबह लोगों की संख्या कम थी लेकिन जो 1 बजे अपडेट आया उसके मुताबिक एक बार फिर से आपके पीछे जो स्क्रीन है निषेध, वहां पे भी DTV भारत लगातार देखा जा रहा है, वहां पे अधिकारियों के द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है, क्या मॉनिटर किया जा रही है। अब बिल्कुल देखिए ठीक मेरे ये स्क्रीन आप देख रहे हैं, DTV भारत का स्क्रीन आप देख सकते हैं और लगातार जो अधिकारी हैं उनकी भी नजर इस स्क्रीन पर है और किस तरीके से खबरें चल रही हैं उनको भी मॉनिटरिंग किया जा रहा है, यहाँ से उनको भी देखा जा रहा है और लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, पल पल की अपडेट पहुँचा रहे हैं। चुनाव से जुड़ी तमाम वो जानकारियाँ हैं वो अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुँचा रहे हैं और अधिकारियों की भी जो नज़र है वो कहीं ना कहीं हमारे स्क्रीन पर है, अधिकारी भी देख रहे हैं किस तरीके से हम खबरों को तेज़ी से अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं, उन चीज़ों को ही मॉनिटरिंग यहाँ पर किया जा रहा है। चलिए निषेध, हम आपसे फिर एक बार जुड़ेंगे लेकिन यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे।